अभी है कुछ विचार आज रात स्टे करने के, चलना है? ये देखिए चंबा के चौगान के रात के नज़ारे, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये। और यहीं पे आज रात की हमारी कैंपिंग है, यहीं पे हम आज रात को स्टे कर रहे हैं। उस वहाँ पे हमारा टेंट लगा है। रात के 1 बज गए और हमने डिसाइड किया कि यहीं पे रुक लेते हैं, फिर कल सुबह करेंगे नेक्स्ट जर्नी स्टार्ट यहाँ से खजियार के लिए। तो आपको कल खजियार घुमाएँगे। और रात को इतना ब्यूटीफुल यहाँ पर नज़ारा है ना, लाइटिंग के साथ। देखिए एक तो ये गेट हो गया, ऊपर से एक ये लगा है चंबा गो ग्रीन कीप क्लीन, एक आई लव चंबा वहाँ पे लगा है, वो बहुत बढ़िया, वहाँ एक दो फ़ोटो खिंचा लिए। और एक ये फैबलस चंबा, इसके नीचे हमने टेंट लगा लिया अपना साइड में। इस तरफ कुछ श्रद्धालु सो रखे हैं मणि महेश जाने वाले, और एक दो टेंट और लगे हुए हैं यहाँ पे, और कुछ लोग तो बाहर ही सो रखे। इतनी शांति है यहाँ पे, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, और आप यहाँ टेंट लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ टेंट लगा के रहते हैं रात को लोग जो यहाँ से जर्नी चंबा की आगे की करते हैं, और जो वापिस आ रहे होते हैं, तो यहाँ पे भी कई लोग स्टे करते हैं रात को। हम भी आज रात को यहीं पे स्टे कर रहे हैं। लेट नाइट ड्राइव नहीं करा जा रहा था क्योंकि बॉडी बहुत थक गई थी, ट्रैक करके नीचे आए थे, तो यहीं पे हमने रेस्ट करने का डिसीजन लिया। यहाँ पे एक लक्ष्मी नारायण टेम्पल है, वो देखने अभी हम जा रहे हैं, और उसको देखने के बाद यहाँ से निकलेंगे डायरेक्ट खजियार। तो ये देखिए चंबा चौगान की सुबह की चहल पहल शुरू हो गई है। रात को यहाँ पे हमने गाड़ी पार करी थी, और वहाँ जैसे वो फैबलस चंबा जो लिखा है वहाँ पे अपना टेंट लगाया था। देखो आंटी जी क्लैपिंग कर रहे हैं। काला टॉप खजियार चंबा वाइल्ड लाइफ, ये तो देवदार के पेड़ आगे बाबा, एकदम दूर इंतजार रहा था। ये दूसरा ही ठंड वाला। खजियार जाते वक्त रास्ते में जगदम्बे टेंपल हमें दिख गया, रोड साइड ही था। और यहाँ पे ये देखिए मेरे पीछे भोले की क्या जबरदस्त शानदार मूर्ति बनाई हुई है। जय भोले, जय शिव शंकर, बहुत ऊंची मूर्ति है यहाँ पे। तो हमने यहाँ गाड़ी रोक के अभी माथा टेक लिया जगदम्बे मंदिर में। ये जगदम्बे मंदिर है, और इसके सामने ही ठीक शिव की इतनी बड़ी प्रतिमा लगी हुई है। भगवान शिव की इस मूर्ति की ऊंचाई 81 फीट है। चलो चंबा, देखो चलो चंबा का यहाँ पे बोर्ड लगा है। चल आन दे। तो ये हम पहुँच गए हैं मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया जिसे कहते हैं खजियार। देवदार का कितना घना जंगल है, और उसके बीच में ये खजियार का मैदान या चौगान जिसे कह लो। ये क्या खरगोश है अंकल जी फोटो खिंचाने के लिए? वो कितना प्यारा खरगोश लेके घूम रहे हैं अंकल जी। ले भाई फोटो खिंचा ले खरगोश के साथ। सैडू है सैडू। वेलकम टू मिनी स्विट्जरलैंड, मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। इसकी खासियत ये है कि ये देखो ग्रीन डेंस फॉरेस्ट से कवर है, ये देवदार के पेड़ों से बिल्कुल कवर है। और ये मेरे पीछे आप देख सकते हो ये है खजियार लेक। तो इसको मिनी स्विट्जरलैंड का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसका जो ये लेक का व्यू है ग्रीनरी के साथ, वो स्विट्जरलैंड के एरिया के साथ उसको कंपेयर किया गया है। वहाँ भी ऐसी सीनरी है, तो इसलिए इसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा गया है। मॉर्निंग में यह जो सनराइज होता है उसको देखने आते हैं। देवदार के पेड़ों से छन के जो धूप निकलती है इतनी बढ़िया, इतना मनमोहक दृश्य लगता है, इसी को देखने के लिए मॉर्निंग में लोग यहाँ पे आते हैं। अभी देखो सनराइज हो गया, पीछे आप देख सकते हो धूप कितनी शानदार लग रही है देवदार के पेड़ों के बीच से निकलती हुई। चंबा से 22 किलोमीटर पड़ेगा, और आप डलहौजी साइड से आ रहे हो तो वहाँ से 24 किलोमीटर पड़ेगा। तो आप डलहौजी चंबा और खजियार एक्सप्लोर कर सकते हो अगर
डलौजी साइड से आ रहे हो। हम अभी चंबा साइड से आए हैं, वहाँ से 22 किलोमीटर। अभी हम यहाँ से नेक्स्ट आगे जाएंगे डलौजी और उसके बाद कांगड़ा। यहाँ पे इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है जिससे इतना बढ़िया देखने में लगता है, मनमोहक दृश्य यहाँ पे मिलता है। और उसको ये जो देवदार के पेड़ हैं हरे भरे, ये इसकी खूबसूरती और बढ़ा देते हैं। और इसके बीच में एक लेक है, इसका फोटोग्राफी का मेन अट्रैक्शन है यहाँ पे, तो लोग इसलिए यहाँ पे घूमने आते हैं। और आप देख सकते हो पीछे अभी धीरे धीरे भीड़ यहाँ पे बढ़ती जा रही है। पूरा दिन लोग यहाँ पे बैठ के धूप का आनंद लेते हैं सर्दियों में। और वैसे जब बर्फ़ गिरती है तो ये पूरा कवर हो जाता है यहाँ पे। स्पोर्ट्स एक्टिविटी में यहाँ पे पैराग्लाइडिंग भी होती है। यहाँ कहीं ऊपर से पैराग्लाइडिंग होती है, जो यहाँ से टेक ऑफ पॉइंट है उसका, और उसकी लैंडिंग यहाँ कहीं आगे होती है, पता नहीं उसकी जगह 2-3 किलोमीटर है यहाँ से आगे। और यहाँ पे आप हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हो और ट्रैकिंग भी है, 1-2 ट्रैक भी हैं यहाँ पे। ये खजियार लेक के सामने ब्रिज बना हुआ है और 2 हट बने हुए हैं सामने, जो कि मेन अट्रैक्शन है यहाँ पे फोटोग्राफी का। और यहाँ पे शायद बोटिंग भी होती है, पता नहीं ये बोटिंग भी होती है क्या भैया यहाँ पे? अच्छा, बोटिंग यहाँ पे नहीं होती है। यहाँ मछलियाँ हैं, इसमें बहुत सारी मछलियाँ हैं। और एक फैमिली के लिए परफेक्ट पिकनिक स्पॉट है ये। ये देखिए हट के बीच से दिखाते हैं आपको खजियार लेक का व्यू। अगर बाहर बारिश भी हो रही है तो आराम से यहाँ पे बैठ के बरसात का आनंद ले सकते हैं। ये मेरे पीछे देख सकते हो आप, फॉरेस्ट का रेस्ट हाउस है। इस रेस्ट हाउस की खासियत ये है कि ये इसका व्यू जो है ना वो ये है। ये देखिए खजियार लेक का ज़बरदस्त व्यू दिखता है यहाँ से। तो ये भी किसी 5-स्टार होटल से कम नहीं है। यहाँ पे रेस्ट हाउस हमें ऐसे ही मिलते हैं रोड साइड कहीं भी, पर इसका व्यू इतना ज़बरदस्त मिलता है यहाँ से। और ये इसको बुक करवाना भी बहुत मुश्किल है। तो खजियार में बस इतना ही है घूमने के लिए, यही। और अब यहाँ से हम निकल रहे हैं, अभी जा रहे हैं यहाँ से हम डलहौजी, और डलहौजी से जाएंगे फिर बनीखेत। इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो, या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।